हाय एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग बायोलॉजी। मैं शुभ तिवारी और आज हम बात करेंगे आफ्टर 12th पीसीबी ग्रुप वालों के जो मेन टारगेट होता है एमबीबीएस, और उसके साथ उनका बैकअप प्लान कैसे बनाया जा सकता है। मतलब ये तो एमबीबीएस और बीएमएस बीडीएस ये तो मेडिकल फील्ड के लिए, मतलब डॉक्टर बनना तो जो पीसीबी ग्रुप लेते हैं उनका टारगेट वही होता है, लेकिन ये भी ना मिले तो इसके लिए बैकअप प्लान भी हमें तैयार करना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये तो आप सबको पता है कि एमबीबीएस बीएमएस बीडीएस बीयूएमएस बीएचएमएस ये सब डॉक्टर बनने के लिए है। इनका साल का ड्यूरेशन, मतलब एमबीबीएस 5+6 5+1 ऐसे 6 ईयर का कोर्स होता है, बीएमएस 4+1 5 ईयर का कोर्स होता है, बीडीएस 4+1 5 ईयर, बीयूएमएस 4+1 5 ईयर, बीएचएमएस 4+1 5 ईयर, ऐसा सभी का आपको ड्यूरेशन पता है। लेकिन इनका कॉस्ट के साथ, मतलब इनकी फीस और जो नेट का टारगेट होता है, अभी नेट और एम्स जैसे एग्जाम क्रैक करके इसमें एडमिशन मिलता है, रैंक वाइज आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन से कोर्स आप कर पाओगे ये आपके रैंक के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसके साथ साथ आपको एक बैकअप प्लान भी जरूरी होता है, मतलब ये ना मिले तो कोई तो और ही सही। मतलब जो जितना आप एमबीबीएस में डालोगे पैसा और उससे आपको रिटर्न मिलेगा, उसके मुकाबले ये अदर कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपको एक बार बैकअप प्लान बताता हूँ। ये बैकअप प्लान कोई भी कॉलेज या कोचिंग क्लास नहीं बताता, सभी एमबीबीएस बीएमएस के बारे में बताते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी आपको एक बार बता दूं। इसमें से बहुत से ब्रांचेस आपको पता भी हो गया और नहीं भी, इसलिए एक बार मेरी कोशिश है कि आपको एक बैकअप प्लान अच्छा होना चाहिए और जिसमें आपको लाइफ में अच्छा रिटर्न्स मिले जिसमें से, और आपको काम करने में भी मजा आए। एक तो आपको बीएमएस एमबीबीएस पता है, इसमें ये सब डॉक्टर रिलेटेड, मतलब मेडिकल रिलेटेड कोर्सेस है, इसमें फीस भी बहुत ज्यादा होती है और उसके साथ साथ आपको नीट और एम्स जैसे एग्जाम भी क्रैक करके एडमिशन आपको लेना पड़ता है। ये तो भी बेसिक चीज, लेकिन इसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस है। बीएससी है, बीएससी लाइफ साइंस, ये बीएससी लाइफ साइंस 3 इयर्स का कोर्स होता है और इसकी फीस भी बहुत कम होती है, ये सभी यूनिवर्सिटीज कराती है। लाइफ साइंस में सीबीजेड ग्रुप आप ले सकते हैं, केमिस्ट्री बॉटनी और जुअलॉजी, ये सीबीजेड ग्रुप लेके आप आगे एमएससी करके प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके साथ ये बीएससी एग्री है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है, बीएससी एनवायरमेंट है, बीएससी साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी लेके भी आप साइकेस्ट्री बन सकते हैं, बीएससी होम साइंस है, बीएससी नर्सिंग है, फूड साइंस है। फूड साइंस अभी बहुत डिमांडेड कोर्स है, बीएससी फूड साइंस, इसकी जरूरत बहुत सारी फूड कंपनीज में लगती है बीएससी फूड साइंस के बच्चों की। उसके बाद बीएससी ऑनर्स इन जूलॉजी, बीएससी ऑनर्स इन बॉटनी, बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री, ये भी बहुत सारे ऑप्शन है। ये ऑनर्स इन जूलॉजी, ऑनर्स इन बॉटनी और ऑनर्स इन केमिस्ट्री, इसका मतलब है 3 सालों में सिर्फ आप जूलॉजी के बारे में ही पढ़ेंगे, 3 साल सिर्फ आप बॉटनी के बारे में ही पढ़ेंगे, और उसके बाद आप एमएससी कर सकते हैं। जिस मान लीजिए आप ऑनर्स इन जूलॉजी किया तो एमएससी आपको जूलॉजी में करना पड़ता है, लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन बीएससी लाइफ साइंस है, क्योंकि इसमें आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ा जाते हैं, केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी, आप किसी में भी मतलब साइमल्टेनियसली पढ़ाते हैं, और आप जब एमएससी करना चाहेंगे तो इनमें से तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट में आप एमएससी कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कंपेरेटिवली दिस ऑप्शन। इसमें सिर्फ आप रिसर्च ही करने के लिए ये आप पढ़ेंगे तो आपको बेटर होगा, इसमें आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, आप किसी में भी जा सकते हैं, साथ साथ आपको एमएससी करके प्रोफेसर भी हो सकते हैं, उनकी भी सैलरी बहुत अच्छी होती है, और उसके साथ साथ आपने बीएससी लाइफ साइंस किया, बीएड किया तो आप 10th तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बीएससी लाइफ साइंस और एमएससी प्लस बीएड किया तो आप 12th के बच्चों तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाती है। उसके साथ पीएचडी जब करेंगे आप तो पीएचडी के बाद आपको सीनियर कॉलेज में प्रोफेसर अच्छा जॉब मिल सकता है।
लाइफ साइंस के साथ आप एमबीए करेंगे तो आपको मैनेजमेंट के लिए भी किसी भी कंपनी में जॉब मिल सकती है। और ये तो अभी बीएससी के रिलेटेड, ये फूड साइंस इसमें से बहुत अच्छा स्ट्रीम है, लाइफ साइंस एक बहुत अच्छा है, एग्री भी अच्छा है, ये सभी में गवर्नमेंट जॉब भी अवेलेबल है। इसके साथ टेक भी कर सकते हैं, मतलब सिर्फ बीटेक इंजीनियर वाले बच्चे कर सकते हैं, मतलब मैथ्स वाले बच्चे ही कर सकते हैं ऐसा नहीं है, हम भी कर सकते हैं। बीटेक इन बायोटेक, बायोटेक में आप बीटेक कर सकते हैं, ये 4 साल 4 ईयर का कोर्स है और इसकी फीस भी कंपेरेटिवली एमबीबीएस बीएमएस से कम है। फूड टेक भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि पिछले साल से बीटेक सॉरी फूड टेक के लिए एक क्राइटेरिया लगाया हुआ है कि मैथ्स आना जरूरी है, इसलिए ये ऑप्शन स्टेट वाइज डिफरेंट है। महाराष्ट्र में तो फूड टेक के लिए मैथ्स होना जरूरी है, लेकिन अदर स्टेट में अभी भी पीसीबी ग्रुप पे ले लेते हैं, एडमिशन मिल जाता है। ये छोड़कर पैरामेडिकल भी कोर्स, मतलब पैरामेडिकल में भी बहुत सारे ऑप्शन अच्छे हैं। डीएमएलटी है, मतलब 12th के बाद आप डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन कोर्स कर सकते हैं, ये भी अच्छा कोर्स है। ये 3 साल का कोर्स है और इसमें रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब जब आप डीएमएलटी करके बाहर निकलेंगे, आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको तुरंत जॉब मिल सकती है, नहीं तो आप खुद की लेबोरेटरी माइक्रोपैथ लैब जो होते हैं वो डाल सकते हैं। बीपीटी ये भी अच्छा है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। बीपीटी मतलब जो मैंने बीपीटी करने वाले बच्चों से बात की तो उन्होंने बताया बीपीटी कोर्स बहुत ही अच्छा है, मतलब जो आप एमबीबीएस में पढ़ते हो वही इसमें भी पढ़ते हो, जो एमबीबीएस के लिए पढ़ाने के लिए टीचर्स होते वही टीचर्स आप बीपीटी में, जो बीपीटी कोर्स है उसमें भी वही टीचर्स होते। बीपीटी कोर्स एक तो पैथोजन के बारे में बताते हैं और एमबीबीएस में मैक्सिमम करके ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बताया जाता है, यही सिर्फ डिफरेंस है। इसमें पैथोजन पे ज्यादा फोकस होता है और इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी ह्यूमन एनाटॉमी। ये बीपीटी करके आप बाद में कॉलेज रिसर्च फील्ड में या हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं, उसके साथ कॉलेज में प्रोफेसर भी हो सकते हैं बीपीटी के लिए। बीएमआरटी ये भी अच्छा है, बीएमआरटी मतलब जो रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब सोनोग्राफी एक्सरे मशीन चलाने के लिए उनका टेक्नीशियन बीएमआरटी होना जरूरी होता है। वो ये 3 साल का कोर्स होता है और 6 महीने का इंटर्नशिप होती है। बीफार्म भी एक अच्छा सोर्स है, मतलब बीफार्म से आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब मिल सकता है आपको, और एक तो आप खुद की फार्मेसी कंपनी भी डाल सकते हो, एक लाइसेंस मिल जाता है आपको। डीफार्म भी अच्छा है, डीफार्म सिर्फ आप डीफार्म करेंगे तो कंपेरेटिवली इसमें नॉलेज कम है क्योंकि टाइम पीरियड भी कम है इसका, इस कोर्स का ये 2 ईयर्स का कोर्स होता है डीफार्म। और यह डीफार्म करने से आपको आपका खुद का मेडिकल स्टोर भी ओपन करने में मदद होती है। एमएनएस ये सबसे अच्छा नर्सिंग का कोर्स है, एमएनएस मतलब मिलिट्री नर्सिंग जो है, मिलिट्री नर्सिंग साइंस, उनके लिए ये एमएनएस करना जरूरी होता है। एमएनएस किए हुए बच्चे गवर्नमेंट में मिलिट्री में जॉब ले सकते हैं। डी फार्म करने के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं, डी फार्म करने के बाद बी फार्म और फिर बाद में एम फार्म कर सकते हैं। इसमें भी एक प्रोफेसर कंपनी में जॉब, मार्केटिंग में भी एमबीए करके जॉब आपको मिल सकता है फार्मेसी के रिलेटेड, ये भी बहुत सारे अच्छा ऑप्शन है कंपेरेटिवली बीएमएस एमबीबीएस के कंपैरिजन में। मतलब इनमें फीस भी कम होती है और टाइम पीरियड भी कम है और जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी है। जब आपको लगेगा कि आपको आपने जो 12th तक पीसीबी ग्रुप लेके स्टडी की बहुत हो गई आपके लिए, तो आप अदर भी जा सकते हैं, मतलब बीए बीबीए बीकॉम बीसीए भी आप कर सकते हैं। मतलब 12th पीसीबी ग्रुप वाला बीए को भी एडमिशन ले सकता है, बीकॉम को भी एडमिशन ले सकता है, और बीबीए मतलब बिजनेस मैनेजमेंट में भी एडमिशन ले सकता है, कंप्यूटर साइंस में और कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी कोर्स कर सकता है। बहुत सारे ऑप्शन है, ये मेरा एक ओवरव्यू आपको मैंने बताया है इस वीडियो के द्वारा। तो आप
चॉइस कर लीजिए और आपके हिसाब से आप एडमिशन ले लीजिए। जब जब आप एडमिशन कोर्स के लिए लेंगे तो उनका ड्यूरेशन और फीस के बारे में एक अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा सा अच्छा कॉलेज ढूंढकर आप एडमिशन ले लीजिए। ये बैकअप प्लान के लिए बताया मैंने, ये तो आपका टारगेट होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ आपका एक बैकअप प्लान भी नहीं होना तो तैयार होना चाहिए। मान लीजिए आपको बीएमएस को बीएचएमएस को आपको एडमिशन नहीं मिला तो आपके एक साल दो साल ऐसे ही ना गवाते हुए ये आप बैकअप प्लान के बारे में भी सोच सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे प्लान है, इसको नेट और एम्स की एग्जाम लगती है, वैसे बीएससी को नहीं लगती, मतलब इसके लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, आप सीधा बीएससी को एडमिशन ले सकते हैं। लाइफ साइंस में से आप एमएससी फूड साइंस भी कर सकते हैं या एमएससी फूड टेक भी कर सकते हैं। बीएससी लाइफ साइंस में से फूड टेक और फूड साइंस भी आप कर सकते हैं एमएससी में, ये भी आपको अच्छा है। एमएससी करते वक्त आपको एंट्रेंस देनी पड़ती है, सभी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस कंडक्ट करती है और उसके बाद एडमिशन बैंक वाइज मिल जाता है। बीटेक के लिए भी सीईटी लगती है। फार्मेसी में बी फार्म, बीएमआरटी, बीपीटी, इनके लिए एंट्रेंस एग्जाम जरूरी है, डीएमएलटी डी फार्म के लिए नहीं है। ये ना भी हो तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है इसमें। एमएनएस के लिए भी एक अलग सी एंट्रेंस होती है, वो भी आपको क्रैक कर एमएनएस में एडमिशन मिल सकता है। बीए, बीबीए, बीकॉम, बीसीए, इसको एंट्रेंस नहीं होती, आपको ये सीधे सीधे ऐसे ही एडमिशन मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच मोर वीडियोज। मैं ऐसे ऐसे बहुत से टॉपिक लेके आऊंगा, मतलब ये तो अभी मैंने शुरुआत की है, एक स्टडी के अलावा अदर टॉपिक के बारे में, मतलब ये स्टडी के रिलेटेड ही है, लेकिन जो मैं अभी तक बताता था सिर्फ जूलॉजी और बॉटनी के बारे में, वो छोड़कर, बायोलॉजी को छोड़कर ये अलग आपका करियर ऑप्शन भी है, इसलिए मैंने बताया। थैंक यू।